Dhunthura Abhiyan Reconstruction and Revival A Milkar Television Presentation Dhunthura Abhiyan पुनर निर्माण और पुनरुज्जीवन मिलसार टेलीविजन प्रस्तुति Dhunthura complex opposite is Gadadhar temple and adjacent palace and other buildings. Shiva 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 Dhunthureshwar Mahadev Dhunthureshwar Mahadev Dhunthureshwar Mahadev हट में हम मंडली किया करते थे विजय में और ये ऑफिस तो बाद में था पहले हम मंडली करते थे दो साल नमः शिवाय धर्मशाला का पोर्शन महादेव Dhunthureshwar Mahadev Dhunthureshwar Mahadev Dhunthureshwar Mahadev Dhunthureshwar Mahadev चांदा वगैरह के फैमिलीज रहती थी ये दूसरा मतलब साइड है नहीं हाँ सरदार तो वो उधर है शिवा शिवम शिवा शिवम Dhunthura का जीर्णोद्धार तय है और ये जो प्राचीन शिलाएं जो मूर्तियां हुआ करती थी वो सब खराब हो चुके हैं ये बहुत ही जर्जर अवस्था में Dhunthura का मंदिर है परिक्रमा में जाता हूँ यहाँ कुछ परिवार रहते हैं दो या तीन परिवार रहते हैं पहले इसी छोटे से कॉम्प्लेक्स में 35 परिवार रहते थे और 92 में इस मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया था सारी प्रतिमाएं जो है वो सब तोड़ताड़ के नदी में फेंकी गई थी ऐसा मैंने सुना है ये देखे किस अवस्था में वो जो दूर कुटिया है उसमें हम मंडली किया करते थे और बाद में इसमें ऑफिस होता था मंदिर का जो ऑफिस है ये पूरा बंद किया गया है यहाँ वॉल हुआ है पहले काफ़ी यहाँ पर इंक्रोचमेंट्स थी बाद में ये ठीक किया गया है यहाँ दो तीन परिवार रहते हैं इस वक्त अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे वहाँ का हाल देखेंगे ये बरामदा जो है हमारी यादगार में क्योंकि ये अभी मिट्टी ऊपर आ चुकी है तब तो बहुत डेप्थ थी डेप्थ काफ़ी होती थी करीब 1 मीटर नीचे डेप्थ होती थी तो यहीं इसी जगह पे मेरे दादाजी जब आए
बैठे इसी बरामदे पे, तो यहाँ ये पूरा आंगन है, यहाँ पर गायें, घोड़े, बकरियाँ, उनको रखा गया था चरने के लिए, बांधा हुआ था लोगों ने, पड़ोसियों ने, तो उन्होंने उनको निकलने के लिए कहा तो गाली गलौज हुआ काफ़ी। तो टाटा ने एक ही बात कही, अभी कुछ क्षणों में ही वो निकालेगा आपको। तो इशारा डूमपुरेश्वर महादेव का दिया उन्होंने, कि अचानक इसी बरामदे में से एक सांप निकल आया और वो अपनी पूंछ पे इरेक्ट खड़ा रहा। उसको देखते ही सारे जितने भी बच्चे वगैरह थे, जब जितने भी यहाँ जुआ खेल रहे थे, वो सब भाग गए और सांप न जाने कहाँ इन्हीं पत्थरों में नीचे छिप गए और आगे फिर मंदिर बना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर बना। और यहाँ पर करीब 1.5 दशक तक लोग रहे, बस्ती रही, 35 परिवार रहे और ईश्वर की कृपा रही। मगर फिर वही, जब 1989 में एक्सोडस हुआ या जेनोसाइड हुआ, तो जेनोसाइड के टाइम में फिर 92 में कहा जाता है कि इसमें अटैक हुआ था और अटैक में यहाँ की प्रतिमाएं वगैरह सब ध्वस्त की गई। अभी क्लीनिंग हो रही है, मंदिर में सफाई हो रही है और दोबारा से इसको साफ सुथरा करके यहाँ पूजा का, पूजा की व्यवस्था की जाएगी। ये पूरा मतलब बंद हो चुका था मंदिर, स्वयं डूमपुरेश्वर महादेव की व्यवस्था है, उनके चरणों में हमारा नमन है। यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, ये प्रणाली भी साफ करनी है। कार्य उदृत आदिपोषोर साफ, फिर एक ये, अच्छा ये झाड़ू यही का है ना, मंदिर का ही, अंदर का ही। ये पानी बिल्कुल ठीक से निकल रहा है। शिवा शिवम शिवा शिवम शिवा शिवा।
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं सुमुरे नित्यमायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेकरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः परवशः शंकरं न
स्मरामि क्षन्तव्यो मे अपराधा शिव शिव शिवो विषय विषधरै पञ्चाभिमर्म संधो दृष्टो नष्टो विवेकः सुतधनयुवति स्वादसौखे निष्णनः शैवी चिंता विहीनं मम हृदयमहो मानव गर्वादिरूढम् विगत गतिमतिश्चाधिदैवादितापै पापैरोगैर्वियोगैस्पन वसितवपुः प्रौढहीनं च दीनं मिथ्यामोहाविलाशै भ्रमति मम मनो धूर्जटे ध्यान शून्यम् प्रतिपदगहन प्रत्यवायाकुलाख्यं श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममार्गे सुसारे नास्था धर्मे विचारः श्रवणमननयोः किं निदिद्यास्यतव्यम् काले सन्पन विधिविधौ नाहितं गाङ्गतोऽयं पूजार्थं वा कदाचिद् बहुतर्गहनाखण्ड बिल्लवीदलानि नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पे त्वदर्थम् दुग्धैर्मध्वाज्ययुक्तैर्दधिसित सहितैः स्नापितं नैव लिङ्गं नोलिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः धूपैः कर्पूरदीपैर्विविधरसयुतैर्नैव भक्षोपहारै ध्यात
चित्ते शिवाख्यम प्रचुरतर धनम नैव तत्तम विजेभ्यो हव्यम ते लक्ष्य संख्यैर्हुत वह वदने नार्पितं बीज मंत्रैः नो तप्तं गांग तीरे व्रत जप नियमै रुद्र जाप्यैर्न वेदै स्थित्वा स्थाने सरोजे प्रणवमय मरुत्कुंडले सूक्ष्म मार्गे शांते स्वांते प्रलीने प्रकटित विभवे ज्योतिरूपे पराख्ये लिंगज्ञे ब्रह्मवाक्ये सकलतनुगतम् शंकरं न स्मरामि नग्नो निसंग शुद्ध स्त्रिगुण विरहितो ध्वस्त मोहांधकारो नासाग्रे न्यस्त दृष्टिर्विदित भवगुणो नैव दृष्टाः कदाचित् उन्मन्यवस्थया त्वां विगतकलिमलं शंकरं न सुम्रामि चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्थ वैश्वानरे दंतित्वकृत सुंदरांबरधरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमखिलामन्यैस्तु किं कर्मभिः किं वानेन धनेन वाजकृभिः प्राप्तेन राजेन किं किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिदेहेन गेहेन किम् ज्ञात्वैतत्क्षणभङ्गुरं सपदिरेत्याजं मनोदूरतः स्वात्मर्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वतीवल्लभम् आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं यातिशयं यौवनम् प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसाः कालो जगत् भक्षकः लक्ष्मीस्तोयतरङ्ग भृङ्ग चपला व्युत्युच्चञ्चलं जीवितं तस्मान् मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधु करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाभि श्रीमहादेवशम्भो ॐ
सब आपको मिल जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम डुमकुरा मंदिर के परिसर में शिव योग के सानिध्य में पूजा का विधान, रुद्राभिषेक और इंद्राक्षी अभिषेक दोनों यहाँ पर किया गया, संपन्न हुआ। अब भक्तजन पूजा में संलग्न है। ये डुमकुरेश्वर महादेव, नागों के कल्याणकारी इस मंदिर परिसर को पुनः पुनर्जीर्णोद्धार करने की दिशा में आज हमने संकल्प लिया है। ये सब हमें ठीक करना है, पुनः पुनर्निर्माण होगा। ये 1992 यहाँ विध्वंस हुआ था और हमारे देवी देवताओं को इसमें जगदम्बा की संगमरमर की प्रतिमा इसको ध्वस्त किया गया। और ये क्योंकि प्रमाण के लिए हमने रखा हुआ है, ये गणपति की प्रतिमा है, ये सारे तोड़ताड़ के बहुत, और यहाँ पर जो सारी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति नदी में, ऐसा कहा जाता है, नदी में फेंक दी गई। और आज हमने यहाँ पर एक शुरुआत की है ईश्वर की रक्षा। हमने महादुर्गा इंद्राक्षी से प्रार्थना की है, भगवती का यहाँ पर जो है स्थापना हुआ है। ये कश्मीर में पहली बार इंद्राक्षी स्थापना हुई है। इंद्राक्षी स्थापना से पूर्व यहाँ पर रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक से नए शिवलिंग की स्थापना दोनों संपन्न हुए। शूलं वज्रं च खंगं परशुम भयदं दक्षिणांगे वहन्तं नागं पाशं च घंटा डमरूक सहिता चांकुशं वाम भागे नानालंकार दीपं सुफटिक मणिभं पार्वतीशं नमामि वंदे शंभुं मुमतिं सुरगुरुं वंदे कारणं वंदे शंभुं उमतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे शंभुं उमतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणम्। वंदे पन्नगभूषणम् मृगदलम् वंदे पशूनापतिम् वंदे सूर्यशशांकमहरिनयनम् वंदे वरदं वंदे शिवशंकरं
वंदे।